जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि क्रीड़ा मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 14, 17 व 19 वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है, जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से आए 468 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बता दें कि इस बार राज्य स्तरीय बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए जनपद रुद्रप्रयाग को मौका मिला है, जिस पर जिला क्रीड़ा समन्वयक शिव सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों के बालक वर्ग की टीमें यहां पहुंची हैं। हमारे जनपद के लिए यह गौरव की बात है कि हमें राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है। इसी क्रम में राजकीय शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अगस्त मुनि शंकर भट्ट ने कहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से खेल भावना से प्रतियोगिता चल रही है, जिला शिक्षक संघ द्वारा अपना पूरा सहयोग दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जो है हमारी इस विद्यालय शिक्षा की इस ऐसे राज्य स्तरीय टीम इवेंट्स को कवरेज करने यहाँ आए, आपका बहुत दिल से धन्यवाद। सर, ये स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे राज्य स्तर की जो कबड्डी का आयोजन है, इस बार हमारे जनपद को यहाँ हमारे जनपद को इसकी मेज़बानी मिली है, जो कि 20 जुलाई को जब निदेशक महोदय जी की अध्यक्षता में बैठक देहरादून में आयोजित हुई थी, उसमें हमें अक्टूबर 3 सप्ताह में इसका आयोजन करने का दायित्व सौंपा गया था। और हम आज 21 अक्टूबर से और 23 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता यहाँ पर सम्पन्न कर रहे हैं। इसमें पूरे 13 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं, और अगर संख्या की बात की जाए तो प्रतिभागियों की संख्या 468 प्रतिभागी यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं, और लगभग 100 से 200 ऑफिशियल यहाँ पे निर्णायक की भूमिका में है, टीम प्रभारी टीम कोच की भूमिका में यहाँ पे उपस्थित है। आज यहाँ पे जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य स्तरीय बालक कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया है, और जिसमें कि पूरे प्रदेश की 13 जनपदों की टीमें यहाँ पे प्रतिभाग कर रही हैं, और बड़े ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, प्रतिस्पर्धी वातावरण में यहाँ पर हमारी खेल प्रतियोगिताएँ संपादित की जा रही हैं। और इसके लिए जो रिन्यू पावर एनर्जी है, उसका भी यहाँ पे हमारी प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने में बहुत बड़ा खेल को लेकर। हम विगत 3 वर्षों से जनपद रुद्रप्रयाग अगस्त में इस वेन्यू पे लगातार 3 बार मैं आ चुका हूँ। देहरादून की टीमें तीनों वर्ग में प्रतिभाग इस बार भी कर रही हैं, इससे पहले बालिका वर्ग में भी किया। व्यवस्थाएं अति उत्तम है, आयोजनकर्ताओं में उत्साह है, और ग्राउंड की व्यवस्था अति उत्तम है। तो इसके लिए मैं समस्त जनपद रुद्रप्रयाग की टीम को हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उनकी व्यवस्थाएँ उत्तम है, खाने की व्यवस्थाएँ और जितने हमारे रेफरीज हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था है। मेरा नाम मोहन प्रसाद मिश्रा, मैं वर्तमान में जनपद देहरादून के विकास नगर विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज कटापत्थर में कर रहे हैं। अभी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर है, और हमारा जो पोल है ग्रुप भी है, और हमारा जो पहला मैच हुआ था वो रुद्रप्रयाग जो होम टीम है उसी के साथ हुआ था, जिसमें हम विजय रहे हैं। उसमें काफ़ी अच्छा यहाँ की व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिले यहाँ। हमारा जो अगला मुकाबला होगा वो चंपावत के साथ है, फिर तीसरा मैच जो हमारा होगा वो बागेश्वर के साथ है।